एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं झारखंड का स्पेशल ठुसका बना रही हूँ। इसके लिए हम चावल लेंगे, ये भोग चावल है, ये 2 कटोरी चावल है, इसे मैंने रात भर के लिए भिंगो दिया था। ये चना दाल है 1 कटोरी, 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी चना दाल, इसे भी मैंने अलग से रात भर के लिए भिंगो दिया था। अब हम मिक्सर जार में चना दाल, अदरक, ये तीखी वाली मिर्च है, हरी मिर्च, अब हम इसमें चावल डालेंगे और थोड़े से पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लें। इसे ना ज़्यादा थिक बनाना है ना ज़्यादा पतला। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भिंगो के रख दें अलग से। ये इस टाइप का बैटर होगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखें। ये सरसों तेल और रिफाइन दोनों मिक्स है। अब इसमें हम 1-1 चम्मच करके डालेंगे और ठुसके को अच्छे से हम इसको उतारेंगे। ये काफ़ी फूली फूली भी काफ़ी यम्मी है। इस तरीके से हम सारी को उतार लेंगे। अब हम इसके लिए आलू धनिया की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए उबले हुए आलू ले, आलू को उबाल के इसकी क्रश कर ले। अब हम मिक्सर जार में टमाटर, जीरा, धनिया की पत्ती, ये ठुसका के साथ खाने में काफ़ी यम्मी लगती है, इसमें अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च दे के इसे इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें हम जीरा और सूखी लाल मिर्ची का तड़का देंगे। अब इसमें थोड़ी सी हींग डालें 1 पिंच। अब हम पीसे हुए मसाले को डाल देंगे। अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 मैगी का मसाला डालेंगे। यह सब्जी खाने में काफ़ी यम्मी है, ये ठुसका के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। अब हम इसमें आलू को डाल देंगे, उबले हुए आलू को, और इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए भून लेंगे हम। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए फिर इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ी देनी है और अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे ढक के पकने के लिए देंगे। थोड़ी देर इसे भूंज के ढक के पकने के लिए देंगे। आप जितनी ग्रेवी चाहे उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमारी ग्रीन आलू की सब्जी रेडी है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और ये थाली हमारी रेडी है। ये झारखंड का ठुसका खाने में काफ़ी यमी है। एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसे मैंने नारियल की चटनी, आलू की सब्जी सबके साथ सर्व की है, कढ़ी के साथ। ये नारियल की चटनी के साथ भी काफ़ी यमी लगती है।